2024 है। आज हम सिंगरौली जिले के जयंत एनसीएल के जयंत खदान में आए हैं, जहां डीबीएल कंपनी दिल्ली बिल्ड दुकान कंपनी वो भी हटाने का काम कर रही है। वहां पे आज पांचों ट्रेड यूनियन जो बीएमआर सीएचएमआर इंटक एटक और सीटू पांचों ट्रेड यूनियनों के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है। एफडीआई के विरोध में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ काफी जो है ट्रेड यूनियन के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं किन समस्याओं को लेकर जो है आज ये आंदोलन पर उतरे हुए हैं। जी, मैं आरसीएसएस इंटक का सेक्रेटरी पुष्पराज सिंह, मेरे साथ सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा हम लोग का है वो एफडीआई के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ साथ और भी मुद्दे हैं, जैसे जो पुरानी सुविधाएं मिल रही थी उसे यथावत रखा जाए, एफडीआई को लागू न किया जाए, इसके अलावा बोनस का भुगतान जो है 80,000 समथिंग किया जाए। ये सब तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के हम लोग जो है आज एक दिवसीय हड़ताल पर, जो देशव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में जो भी कोयला उद्योग हैं हर जगह आज ये हड़ताल हो रहा है। और इसके लिए आज हम लोग सभी संगठन के लोग साथ में खड़े होकर के चट्टानी एकता के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है जो है इनके जो पहले सुविधाएं दी जाती थी उन सुविधाओं को लेकर जो है इनकी मांगे हैं, और बोनस 80,000 को लेकर जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है पूरे देश में ऐसा जो है एफडीआई के विरोध में लगातार हड़ताल की जा रही है। हमारे साथ और नेता बने हुए हैं, आइए हम इनसे जो है आपको मिलवाते हैं कि इनकी क्या समस्याएं, किन समस्याओं को लेकर ये आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। मैं आर्यन ओझा आरसीएसएस इंटक का प्रेसिडेंट हूं। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एफडीआई के विरोध में पूरे कोयलांचल में आज हड़ताल रखा गया है, और हम लोग को जानकारी है अभी तक सभी जगह पूर्ण रूप से बंद है एफडीआई के विरोध में। और यदि भारत सरकार नहीं माना तो इसी तरह लगातार स्ट्राइक का भी हम लोग घोषणा कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सिंगरौली जिले में जो 12 प्रोजेक्टें चल रही हैं एनसीएल की, उसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग हमारा हड़ताल जो है 100% सफल रहा, और अगर हमारी मांगे इन हड़तालों से पूरा नहीं किया जाता है, सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है, तो लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा।